19 बॉलें खेली हैं इंग्लैंड ने जो मैच उन्होंने जीता है। इन 19 गेंदों पर उनके 3 छक्के हैं और इस पे उनके 7 चौके हैं। 19 गेंदों पर 3 छक्के 7 चौके, यानी कि 10 गेंदें जो हैं वो बाउंड्रीज पर निकली हैं। अब बात ये आ जाती है जो हम जॉनसन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट पिच, ठीक है, पहले वो आए, उन्होंने बॉलिंग में दे वेंट टू किल, उन्होंने टीम को जल्दी आउट किया। ऑब्वियसली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 50 पे आउट कर लेंगे, किसी भी टीम को 50 पे तो आप नहीं प्लान करके आते कि 50 पे आउट करेंगे, बट वो दे बोल्ड वेल, दे बोल्ड देयर हार्ट आउट, और उसके बाद जब उनको नज़र आ गई, एक होप नज़र आई, तो फिर उन्होंने उसको मौके को जाने नहीं दिया। येस दे वर बैटिंग ऑन अ डिफरेंट, ऑब्वियसली वो न्यूयॉर्क वाला पिच नहीं था, वहाँ होता तो शायद वो भी 50 रन 3 ओवर में ना कर सकते, बट पॉइंट इज कि उनके पास एक क्लैरिटी थी। उसने सॉल्ट ने, आप देखें, पहले 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे, तीसरी पे भी ही वेंट फॉर इट, तो वो एक क्लियर प्लान के साथ आए थे। उनको ये नहीं था कि मैं आउट हो जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा या मेरी एवरेज नीचे आ जाएगी, दे हैड अ प्लान, टीम प्लान था, दे वेंट फॉर इट। आप देखें 3 ओवरों में उन्होंने वो एक मौका मिला ना, आपको वो कहते हैं ना जिंदगी में आप लाइफ आपको मौके देती है, देन इट्स योर चॉइस कि वेदर यू ग्रैब इट और नॉट। उनको मिला एक मौका कि वो रन रेट अपना ऊपर एक सेकंड में लेके जा सकते थे, वो ले गए। आप देखें और एक प्लानिंग वाली बात जो वसीम साहब आप करें, इसका मतलब ये है कि जैसे सोहेल ने जिक्र किया, पाकिस्तान के पास भी रन रेट को बेहतर बनाने का मौका तो मिला था, 13.5 ओवर्स में आपने करा। देखिए शायद वो चीज़ मैटर ना करे, लेकिन हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे थे ना। एक टीम आप अथॉरिटी के साथ खेलते हैं ना, आप एक मैसेज बाकी टीमों को विद इन मैसेज अपनी टीम के अंदर, आप मतलब आपके ख्याल में ये भी एक मैसेज था जो 19 गेंदों में स्कोर किया उन्होंने कि हम देखिए वो जिस ब्रांड के वो मतलब वो दावा करते हैं जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, हालांकि हो सकता है वो भी बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से, ठीक है, लेकिन वो बारिश को अगर ब्लेम करते भी ना तो शायद थोड़ा सा आप कहेंगे यार स्कॉटलैंड वाला मैच था वो तो जीत जाना था उन्होंने, क्या वो लोग यही कह रहे हैं 10 ओवर में 100 रन 90 रन इनसे नहीं होने थे, इन्होंने कर लेने थे 6 ओवर में कर लेने थे, तो वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनलक्की हो रहे हैं। एक उनका अच्छा मैच था, वो हारे हैं, वो बुरे तरीके से आप समझ गए, स्कॉटलैंड वाला जो मैच था वो उन्होंने कर लेने थे रन, आराम से कर लेने थे। अच्छा कल आपने देख ही लिया, वहाँ से कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा ना कि मतलब जिस तरीके से और बैटिंग लाइनअप जिस तरह से है, तो आई थिंक जो डिबेट अभी चल रही है ना हमारी टीम की, देखें जब भी आप इम्पैक्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, एक फ्लोटिंग आप कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। हाँ फिक्स नहीं होता ना, मतलब आप देखें कि लेट से कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको रन रेट चाहिए या मैचअप्स आ गए आपके सामने के स्पिनर्स लगे हुए हैं, आपको पता है कि शादाब खेल सकता है और ऐसे मौके पर शादाब ने डिलीवर किया है लीग क्रिकेट के अंदर, लेकिन आप दूसरे एंड पे ये भी देखते हैं कि अगर आप बार बार ये करेंगे या परमानेंटली ये करेंगे और बैट्समैनों को नीचे लेके जाएंगे तो उन बैट्समैनों के साथ क्या होगा। तो आप अगर दोनों ऑलराउंडर्स को आप पहले भेज रहे हैं, वो है भी वो बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर दोनों नहीं है, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद फिर इफ्तिखार ने आना है या आज़म खेल रहा है तो उसने आना है, तो उनका माइंडसेट भी तो देखें ना कि उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आज़म को एक चांस क्यों, इफ्ते को 2 चांसेस क्यों, जो आपके मतलब उस स्पेशलिटी वाले 2 ही प्लेयर हैं आपके पास, एक को एक चांस दिया दूसरे को 2 चांसेस दिए, ये क्या शो करता है। तो 22 में तो ये 22 वाले वर्ल्ड कप में आप भूल करना चाह रहे हैं, आपने जो जिद पकड़ी हुई है कि हमने जो क्रिकेट जिस तरीके वाली खेलनी है हमने वही खेलनी है, यानी कि जिद के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट दांव पर लगी, हमने तेज क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलनी कि जो 2 प्लेयर हैं जो छक्के मार सकते हैं हम उनको भी निकाल देंगे क्योंकि शायद ये छक्के मारेंगे तो फिर हमें भी मारने पड़ सकते हैं ना, यही शो होता है ना इससे कि आपका क्या है, पीछे एक फख्र रह जाता है आपके पास। तो आई थिंक इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी नंबर के ऊपर बैट्समैन है, और मैं तो इसको ऐसे देखता था कि अगर ओपनर को आप 10 चांस दे रहे हैं तो आप फिनिशर को 20 चांसेस देंगे, वहाँ पे उसके पास 20 ओवर नहीं है, वो हाई रिस्क क्रिकेट वो खेल रहा है। ओपनर 120 बॉल उल्टा किया हुआ है, हमने उल्टा किया हुआ है कि ओपनर साइम को हमने कितने मैचेस लगातार दे दिए, पूरी सीरीज खिलाई हमने, नीचे हमने फिर वही हरकत की, हमने नहीं सेटल होने दिया किसी को भी, कभी आज़म को खिला लिया, कभी इफ्तिखार को हमने ड्रॉप कर दिया, पीछे और लड़के भी ट्राई किए होंगे, तो आपने सेटल होने नहीं दिए ना, तो इक्वलिटी होनी चाहिए। इफ्तिखार को तो मुसलसल मौके मिल रहे हैं वसीम साहब, लेकिन इफ्तिखार में फिर कहूँगा कि जो मौके मिल रहे हैं वो नंबर्स आप अगर देख रहे हैं ना, अगर आप उसको यूटिलाइजेशन आपके ख्याल में ठीक बहुत गलत हो रही है ना सर। यार आपने पहले अगर बैक किया पूरे इतने अरसा में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इफ्तिखार के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया गया, तो मेरा पॉइंट ही यही है ना कि 2 साल इन्वेस्ट कर करके जब वर्ल्ड कप के लिए आपने किया ना, तो फिर रेडी किसके लिए किया, वर्ल्ड कप के लिए, अगर बाहर करना था परफॉर्मेंस बेस्ड, पहले भी तो आप पिछले कुछ अरसे में इफ्तिखार का उस हिसाब से परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट यू बैक देम कि यार नहीं हमारा ये अच्छा फिनिशर यही है हमारे पास बेस्ट, तो वर्ल्ड कप में ड्रॉप करने का क्या मकसद है, मेरा मेरा कंसर्न सिर्फ ये क्वेश्चन ये है। सेम साइम के ऊपर भी
मिनट से खिला रहे हैं, एकदम से कैसे ओपन से उतर गया वो, मतलब आप क्लैरिटी नहीं आपके प्लान्स के अंदर। सही। अच्छा वसीम साहब, ये आपकी गुफ्तगू से वैसे एक बड़ा एक अलार्मिंग साइन तो है कि अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट में नहीं उस तरफ जाना है, आपने यही जो एक रवायत है बरकरार रखनी है और जिसका हम देख रहे हैं कि उसकी सारी जो एक रेप्लिकेशन है ना वो हमें आजकल के मैचेस में दिख भी रही है। और यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं थी ना, वेयर वी विल सी आवर टीम, क्रिकेट की वो जरूरत भी नहीं थी कि यहाँ पे कौन सा 250 वाले मैच हो रहे हैं। एब्सोल्युटली यहाँ भी हो रहा है कि हमने एक पूरा साल प्लानिंग गलत की, हम जी बस 5 स्ट्राइक रेट और वो प्रूव करना है, ये करना है, आगे आपसे 120। लेकिन वसीम साहब ये भी तो थोड़ा इस जावी से भी तो देखें ना कि हम, हमारा कौमी खेल हॉकी है, हमने और दीगर वो तमाम खेल जहां पर हमारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं इतना अटेंशन ना भी देते हुए, तो वहां पर बहुत अच्छी जो है वो एक परफॉर्मेंस सामने आ रही है प्लेयर्स की, तो ये क्रिकेट तो इट्स एट दिस हाइप, तो आप नहीं समझते कि कितना अलार्मिंग है, कौन चेंज करेगा? हम इस हवाले से गाहे बगाहे डिस्कशन करते भी रहे हैं, रोल किसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट के साथ बड़ा क्लोज काम किया है, प्लेयर्स के साथ बड़ा क्लोज काम किया है। देखिए इसमें सबसे पहले ना कि क्या चेंज क्या करना है आपने, जब आपको पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम तो ही नहीं पता है हाँ, आपको जब आप आइडेंटिफाई करें चीज़ें, एडमिट करें भी यही एरियाज हैं हमारे इम्प्रूव होने वाले, हाँ एक दो बंदों की कुर्बानी देने से आप कहें जी कि चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, कप्तान को उतार देते हैं या सेलेक्टर को उतार देते हैं सब ठीक हो जाएगा, नहीं इसका जो रूट कॉज है वो ढूंढना है आपने। तो फिर किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी आपके मुताबिक? देखें उसमें सिस्टम में क्या, अगेन मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट के इंडिविजुअल्स, कौन किसका क्या हो रहा है, हाँ, आपका ना आप सिस्टम को एक दफा देखें, उसको चलाने वाले देखें क्या वो केपेबल है या नहीं है, या उस स्ट्रक्चर हमारा बेहतर होने वाला है, टीम बनाने का जो तरीका था उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि किस बेस के ऊपर टीमें बनी है, क्योंकि अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आप बाबर पे डाल देंगे सारा आपको गिना देता हूँ, वहाब रियाज 1, मोहम्मद यूसुफ 2, अब्दुल रजाक 3, असद शफीक 4, 2 डेटा एनालिस्ट 6। अच्छा वो नहीं मैंने गिने थे, बस ठीक है 9 हो गए ना, डेटा जरूरी है ना सर, वो कैप्टन कोच तक मेरे को रहता है, कोच और एक जो डायरेक्टर है, 9 लोगों की सिलेक्शन, लेकिन डेटा वाले आई डोंट थिंक दे आर डिसीजन मेकर्स सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए हैं, हां बट उनकी इनपुट होती है सिर्फ, मतलब उनका वोटिंग पावर आई गेस नहीं है वो, एक तो देखिए इनपुट से ज्यादा आउटपुट के लिए मुझे पता है इसका जवाब अगर मतलब नॉर्मल तरीके से आप पूछेंगे तो यही आएगा, नहीं सुनी हमारी, सुनेंगे नहीं, हमें ये किया।